यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पर फूड मसाज का। व्हाट्सअप लवली पीपल्स, सो बेसिकली दिस इज अ पार्ट टू फॉर मूर्थल राइड। तो लास्ट व्लॉग में आपको पता लग गया था पार्ट वन में कि हम मूर्थल राइड कर रहे थे और हम मूर्थल पहुंच गए थे, एंड अब उस टाइम हम थे और अभी हम हैं गरम धर्म ढाबा पे, और उस साइड पे हमारा अमरीक सुखदेव है। तो अभी हम गरम धर्म पे हैं, तो पहुंच गए थे हम लास्ट व्लॉग में, तो अब पूरा आपको एक्सप्लोर करते दिखाते हैं कैसा है गरम धर्म ढाबा। मतलब बेसिकली मैंने अभी तक जो देखा है पूरा धर्म जी के उस पर है, धर्मेंद्र जी उनकी पूरी फ़ोटो है पीछे देख सकते हैं आप, पूरी उनके ऊपर बना हुआ है। अंदर भी दिखाता हूँ आपको उनके डायलॉग्स, उनके मूवीज़ के नाम, बुलेट, शोले वाली एंड ट्रक रखा हुआ है, तो दिखाते हैं पूरा एक्सप्लोर करते हैं आपको, ठीक है। कुछ बैठ गए हैं हम यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। खाली पेट घर से आए थे, राइड करी है, मतलब 63 किलोमीटर था हमारे घर से यहाँ तक का बिना रुके, मतलब एक चाय ब्रेक लिया था, बाकी उसके बाद कहीं नहीं रुके। 63 किलोमीटर हमने कवर किया है, तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। सो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी हंग्री, सो वी हैव ऑर्डर द फूड राइट नाउ इन धर्म होटल। धर्म होटल मज़ा आ रहा है बाकी? यस, बढ़िया, एंजॉइंग, वी आर एंजॉइंग। सो मैंने मंगाया पाव भाजी, ऑर्डर किया भाई ने, किया है दही बल्ले एंड मेरे लिए कॉफ़ी एंड भाई के लिए चाय। दही बल्ले इज माई फेवरेट। सो खाते हैं कुछ, ठीक है, आपको भी दिखाते हैं जब ऑर्डर आएगा। मतलब मैंने एक यहाँ पर किसी एक बंदे से बात करी थी, स्टाफ था उनका, मैंने, क्योंकि गरम धर्म नाम है ढाबे का, ठीक है, एंड पूरा जो है ढाबा धर्मेंद्र जी हैं उनके ऊपर, मतलब सारी फ़ोटोज उनकी है, तो उनसे पूछा कि यार ये धर्मेंद्र जी का, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी धर्मेंद्र जी का ही है ये ढाबा। तो उन्होंने मुझे बताया ये चीज़, तो मैंने कहा कि यार कब कब आते धर्मेंद्र जी यहाँ पर इस ढाबे पे, तो उन्होंने कहा कि 4 महीने में आते हैं, वो भी आधे घंटे मुश्किल से मुश्किल रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आप, वो इतने बड़े लेजेंड हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं, तो पता है भीड़ लग जाती है, तो शायद फ्यूचर में कभी मिले ऐसे ही हम कभी आएँ यहाँ पर घूमने के लिए, और हमें पता लगे कि धर्मेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, तो यार अच्छा लगेगा ना मिलके। तो यार जो रेस्टोरेंट है बहुत ही बढ़िया बना रखा है, मतलब धर्मेंद्र जी की जितनी मूवीज़ हैं सबके यहाँ नाम लिखे हुए हैं एंड उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। एक तो शोले वाली जीप भी है, ठीक है, एंड बुलेट भी खड़ी हुई है अमिताभ बच्चन जी और उनकी, धर्मेंद्र जी की। तो
काफ़ी अच्छा है पूरा रेस्टोरेंट। तो हमारा खाना आ चुका है। तो खाना पीना तो हमारा हो गया है हम दोनों का। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पर, ये फूड मसाज का। तो करवाते हैं यहाँ फूड मसाज। कितने की है सर? 150 की है। मतलब क्या क्या, मतलब पैर में फूड मसाज होगी पूरी है? फुल बॉडी के लिए। फुल बॉडी के लिए है, अच्छा। तो गाइस करवाते हैं इसको, ठीक है। और एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस बताते हैं आपको इसका भी कैसा लगेगा, ठीक है। 150 रुपीज़ है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो करवाते हैं। सर बोल रहे हैं कि मैं दोनों हाथ डालने पड़ेंगे, फिर हम ब्लॉग कैसे करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे? नहीं यहाँ पर हमारे अंदर है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस आएगा हमें। फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ बेसिकली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है मुझे। एक्चुअली मैंने ब्लॉग्स में काफ़ी देखे हैं लोगों के कि वो ही करा रहे हैं, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। कैसा लग रहा भाई? बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट हो चुका है ये हमारी पूरी फुल बॉडी मसाज। पैर में ग्लूइंग सी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है यार। बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाई? फीलिंग गुड। फीलिंग गुड? या आई एम ऑल्सो सो फीलिंग। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इस मसाजिंग चेयर पे बैठ के। हम दोनों को मज़ा आया। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? बहुत बढ़िया। फ्रेश हो गया तू? Yes. तेरी बॉडी फ्रेश एंड एनर्जाइज। एनर्जाइज? आई एम ऑल्सो एनर्जाइज। बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सर, आपने अच्छे से करा। वेलकम। सो 150 में कभी करम धर्म जो रेस्टोरेंट है, गरम धर्म सॉरी, कभी रेस्टोरेंट में आएंगे तो ये ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। पूरी बॉडी फ्रेश हो गई है, मतलब हर एक छोटी पोर्शन पे ना अच्छे से मसाज की है। तो आइए और मसाज कराइए। ओनली 150 रुपीज़। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया हो ये जो दो पार्ट थे मूर्थल राइड के, ठीक है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो पता नहीं क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड मेन चीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एज ऑलवेज खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश रखिए। बाय बाय।